दोस्तों, जिन लोगों को टाइम ट्रेवल पर बेस्ड मूवीज पसंद है, उनके लिए मैंने पहले ही काफी इंटरेस्टिंग मूवीज हमारे चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं। पर आज जो मूवी मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, वो है तो टाइम ट्रेवल पर बेस्ड मूवी, पर उसे साउथ सिनेमा में ही फिल्माया गया है। कुछ समय तक IMDb पर इसकी रेटिंग करीब 9 के आसपास थी, जो अभी खिसक कर 8 के आसपास आ गई। लेकिन इसकी कहानी में काफी दम है, बोले तो आपको बांधे रखेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है मानाडू। तो मूवी की शुरुआत होती है एक मैसेज से, जिसमें लिखा होता है कि वैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर रुक गया तो क्या होगा। इसके बाद कहानी आती है 10 अक्टूबर 2019 में, जब दिल्ली एयरपोर्ट से कोयम्बटूर जा रही फ्लाइट में एक पॉलिटिशियन एयर होस्टेस से झगड़ा कर रहा होता है कि फ्लाइट का टाइम तो हो गया, फिर भी टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहा। वो बताती है कि सर, एक VIP का वेट हो रहा है। पॉलिटिशियन एक MP था, इसलिए वो सोचता है कि मेरे अलावा कौन VIP इस प्लेन में आने वाला है। इतनी देर में एक एक्टर वहां पहुंचता है, जिसका नाम था अब्दुल खालिक। अब्दुल एक स्टार था, इसलिए उसको देखकर MP उसके पास जाकर ऑटोग्राफ लेता है और उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। अब अब्दुल अपनी सीट पर जाकर बैठता है, जहां उसके पास सीता लक्ष्मी नाम की एक लड़की बैठी होती है। सीता डरी हुई थी, क्योंकि वो प्लेन में पहली बार बैठी थी। डर की वजह से वो एक मोमेंट पर अब्दुल का हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद दोनों में डिस्कशन होने लगता है। बातों ही बातों में पता चलता है कि वो एक ही शादी को अटेंड करने जा रहे हैं। फ्लाइट लैंड होने के बाद सभी एयरपोर्ट से बाहर जा रहे होते हैं, तभी एक शीशा टूटकर नीचे गिरता है, जिसके टुकड़े एक नन्ही बच्ची के पैर में घुस जाते हैं। अब्दुल उसके टुकड़े निकालता है और फिर वो और सीता एयरपोर्ट के बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर वो उसी MP को देखता है, जिसको मीडिया ने घेर रखा था। वो कहता है कि मैं यहाँ CM साहब की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूँ। खैर, अब अब्दुल सीता से साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो दोनों एक ही जगह जा रहे थे। लेकिन सीता पहले उसके डॉक्यूमेंट्स देखती है और फिर राजी हो जाती है। अब्दुल को रिसीव करने उसके दोस्त मूर्ति और बादशाह वहाँ आ जाते हैं और फिर चारों एक ही कार से वेडिंग के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हम CM कॉन्फ्रेंस के कई पोस्टर्स को लगे हुए देखते हैं, और इसी बीच CM की ही पार्टी का एक पॉलिटिशियन तमीरवन ट्रैफिक में लेट होने की वजह से कार से उतरकर पैदल ही कॉन्फ्रेंस के लिए निकल पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद अब्दुल को भी रास्ते में ट्रैफिक मिलता है, लेकिन वहाँ हमें पता चलता है कि ये ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि अभी अभी तमीरवन का एक्सीडेंट हो गया है और रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है। खैर, दूसरे रास्ते से अब ये चारों शादी में पहुँचते हैं। इधर हमें पता चलता है कि अब्दुल के दोस्त मूर्ति का जरीना के साथ चक्कर चल रहा है। जरीना मतलब वही लड़की जिसकी शादी में ये सभी आए हैं। अब्दुल भी इसलिए आया है ताकि वो जरीना को भगाने में मूर्ति की मदद कर सके, लेकिन ये सब बातें सीता को नहीं पता थी। इसलिए अब्दुल बातों ही बातों में सीता को एक बुरखा देता है और कहता है कि ये शगुन का है, इसे जरीना को दे आओ। सीता जरीना की दोस्त थी, इसलिए वो शादी में आई थी। वो उसे बुरखा देती है, जिसमें छुपकर जरीना कार में बैठकर मूर्ति के साथ भाग जाती है। ये सब सीता समझ जाती है और वो फौरन सभी को बता देती है। अब जरीना के घर वाले कार का पीछा करते हैं, लेकिन अब्दुल इतनी तेज कार चलाता है कि कोई उसे चेज नहीं कर पाता। काफी आगे निकल जाने पर अचानक एक आदमी उसकी कार से टकराता है और जख्मी हो जाता है। ये देखकर वो चारों उसे हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन इतने में पीछे से पुलिस आ जाती है। धनुष नाम का इंस्पेक्टर बिना कुछ पूछे सभी को थाने की जगह एक पुरानी बिल्डिंग में ले आता है, जबकि अब्दुल और उसके दोस्त लगातार उससे कहते हैं कि सर, वो अचानक सामने आया और टकरा गया, हम तो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। धनुष उसकी बात सुनता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो उस बंदे को भी वहीं लाकर पटक देता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अब्दुल ये देखकर कहता है कि सर, इसकी हालत सीरियस है, इसे हॉस्पिटल भिजवा दीजिए वरना ये मर जाएगा। साथ ही वो उसको ये भी बता देता है कि हम लोग मूर्ति और जरीना की शादी करवाने ले जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। काफी देर सुनने के बाद धनुष कहता है कि जिस आदमी को तुमने टक्कर मारी उसका नाम रफीक है और वो मेरे लिए काफी काम का बंदा है। तुम फिक्र मत करो, मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। ये कहकर वो अब्दुल को ऊपर ले जाता है, जहां अब्दुल दो लेडीज को रोते हुए देखता है। इतने में बाकी पुलिस वाले उसके कुछ फोटोज लेते हैं और एडिट करके पूरे इंटरनेट पर इस तरह फैला देते हैं जैसे अब्दुल कोई टेररिस्ट है। अब्दुल को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, पर वो इतना जरूर समझ जाता है कि मामला ज्यादा खराब है। इसके बाद जब CM की कॉन्फ्रेंस का वक्त आता है, तो धनुष अब्दुल के कान में एक ब्लूटूथ लगवा कर और एक बैग देकर उसे उसी कॉन्फ्रेंस में भेज देता है। कुछ मिनट बाद वो अब्दुल से बैग में हाथ डालने को कहता है, जिसमें उसे एक गन मिलती है। वो अब्दुल को ऑर्डर देता है कि तुम CM को शूट कर दो, जिसके लिए अब्दुल मना कर देता है और कहता है कि क्या फालतू बातें कर रहे हो। ये सुनते ही धनुष मूर्ति को शूट करके उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद अब्दुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है।
धनुष कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे। इसके बाद अब्दुल को मजबूरन शूट करना पड़ता है जिससे सीएम की मौत हो जाती है। सारे पुलिस वाले अब उसको घेर लेते हैं और उसको गन नीचे करने को कहते हैं। डरा हुआ अब्दुल पुलिस वालों से कहता है कि सर मैं तो वही कर रहा हूँ जैसा आपने कहा था। ये सुनकर पुलिस वाले को लगता है कि कहीं ये हमारी पोल न खोल दे, इसलिए धनुष भी अब्दुल को वही मार देने का हुक्म देता है। पुलिस ऑफिसर फायर करता है जिसमें अब्दुल की जान चली जाती है। लेकिन अगले ही पल सीन शुरू होता है फिर से उसी फ्लाइट से, जब अब्दुल सीता के साथ वेडिंग में जा रहा था। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या हुआ, क्या ये सब मेरा सपना था और मैं तब से यहाँ हूँ। इतने में वो सीता का नाम लेता है जिसको सुनकर सीता के होश उड़ जाते हैं और वो पूछती है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। इससे अब्दुल को अंदाजा लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और वो समझने की कोशिश करता है। इस बीच वो पिछली बार की ही तरह सीता को जरीना की शादी में एक साथ चलने के लिए मना लेता है। एयरपोर्ट पर अचानक उसे वो शीशा टूटने वाली बात याद आती है और वो उस बच्ची को इस बार बचा लेता है। ये देखकर सीता शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर उसको कैसे पता था कि शीशा टूटने वाला है। अब्दुल कोई जवाब नहीं देता और अब वो दोनों मूर्ति और बादशाह के साथ कार में बैठ जाते हैं। आगे अब्दुल बताता है कि रास्ता बंद होगा इसलिए इधर से चलो, लेकिन मूर्ति नहीं मानता। आगे जब रास्ता बंद मिलता है तो इस बार सीता के साथ साथ वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर अब्दुल को कैसे पता चल गया। इस बार वो चारों रास्ते में कुछ खाने के लिए कार से उतरते हैं, जहां अब्दुल सीता को इस बार जरीना को भगाने वाले प्लान में शामिल कर लेता है और इस तरह वो चारों जरीना को भगा लाते हैं। भागते हुए अब्दुल को याद था कि पिछली बार रास्ते में रफीक कहां टकराया था, इसलिए वो कार को धीरे धीरे चलाता है। थोड़ा आगे जाने पर वो सोचता है कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है, लेकिन रफीक अभी तक नहीं टकराया। ये सोचते ही अचानक रफीक आकर उसकी कार के शीशे को बजाने लगता है। वो कहता है कि मुझे बचा लो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और वो सीएम को मेरे हाथों मरवाना चाहते हैं, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। इतनी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है जिसे देखकर वो भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर धनुष अब अब्दुल और बाकी लोगों को पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि रफीक ने जरूर इनको कुछ बताया है, इसलिए वो उनको गोली मार देता है। गोली लगते ही सभी की मौत हो जाती है और अब्दुल एक बार फिर से उसी प्लेन में सेम जगह सेम मोमेंट पर वापस पहुंच जाता है। अब्दुल का दिमाग एक बार फिर चकरा जाता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। इस बार वो सीता से बात किए बिना फ्लाइट के लैंड होते ही वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते वो उस बच्ची की डॉल को छीन कर थोड़ी दूर फेंक देता है ताकि वो थोड़ा लेट बाहर आए और वो शीशा उसके पैर में ना गिरे। इसके बाद वो दोस्तों के साथ शादी में पहुंचता है और जरीना को भगा ले जाने के लिए दूसरा रास्ता चुनता है ताकि रफीक उसको ना मिले। और इस बार ऐसा ही होता है कि रफीक उसको नहीं मिलता और आखिरकार मूर्ति और जरीना की शादी भी हो जाती है। रात को सभी अपने अपने घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं, जहां अब्दुल न्यूज में देखता है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी ने सीएम को जान से मार दिया। सीएम के मरने के बाद दंगे शुरू हो गए, इसलिए ट्रेन भी लेट हो रही है। इतनी देर में वहां जरीना के घर वाले आ जाते हैं जो अब्दुल और बाकी लोगों के साथ हाथापाई करने लगते हैं। इस बीच जरीना का भाई अब्दुल पर हमला करता है और उसकी जान ले लेता है, और ऐसा होते ही अब्दुल फिर से उसी टाइम लूप में वापस पहुंच जाता है। अब इस बार अब्दुल सीता मूर्ति और बादशाह को एयरपोर्ट के बाहर एक कैफे में ले जाकर अपने साथ हो रही अजीबोगरीब चीजों को शेयर करता है। इस बीच सीता बताती है कि हमारे धर्म में टाइम को लेकर एक कहानी है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, शायद उससे तुम्हें कुछ मदद मिल सके। वो बताती है कि उज्जैन का नाम तो सुना ही होगा, उसको दुनिया का सेंटर माना जाता है। वहाँ पर महाकाल मंदिर है जिन्हें समय का देवता कहा जाता है। कहा जाता है कि महाकाल समय समय पर लोगों को टाइम लूप का अनुभव कराते हैं ताकि वो उनको कोई संदेश दे सके। विक्रम बेताल की कहानी भी ऐसी ही है, जिसमें विक्रम बार बार बेताल के साथ फंस जाता था और वो पर्पस पूरा होते ही बेताल को छोड़कर चला गया। ठीक ऐसे ही एक बार उज्जैन के राजा ने भी इस टाइम लूप का एक्सपीरियंस किया था। कई बार ऐसा होने के बाद उन्हें समझ आया कि उन्हें कुछ ऐसा करने को कहा जा रहा है जिसके होते ही ये लूप खत्म हो जाएगा। कई बार समय यात्रा करने पर उन्हें समझ आया कि उनके शहर में एक दीवार बनाई जानी जरूरी थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने वो दीवार बनवाई वैसे ही वो लूप खत्म हो गया। अब्दुल कहता है कि मेरा जन्म उज्जैन में ही हुआ था। जब मैं माँ के पेट में था तो डिलीवरी के वक्त मेरे पिता माँ को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए क्योंकि रास्ते में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा था। इसलिए एक हिंदू परिवार ने मेरी मदद की और मेरी माँ को काल भैरव मंदिर के अंदर ले गए जहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म होते ही वो दंगे भी अचानक से रुक गए, इसलिए हो सकता है तुम सही हो, उज्जैन से मेरा ये कनेक्शन ही मेरे टाइम लूप का कारण हो। इसके बाद वो सोचने लगता है और वो समझ जाता है कि उसको एक चीज होने से रोकनी है जिसके बारे में उसे बार बार इशारा भी मिल रहा था, और वो है सीएम की मौत को रोकना। फाइनली वो उस रात कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है
जहां उसे कुछ पुलिस वाले रफीक को वही बैग और ब्लूटूथ देते हुए दिखते हैं जो सबसे पहले धनुष ने उसको दिए थे। अब जैसे ही रफीक सीएम को मारने वाला होता है वैसे ही अब्दुल उसे रोक लेता है, लेकिन तभी कोई दूसरा आदमी सीएम को शूट कर देता है और वहाँ भगदड़ मच जाती है। नजर घुमाने पर अब्दुल को पता चलता है कि सामने खड़ा कैमरामैन ही असल में वो स्नाइपर है जिसने अभी सीएम को मारा है। इसके बाद अब्दुल रफीक को कोने में ले जाकर उससे ऐसा करने की वजह पूछता है। तभी वहाँ धनुष आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। अब्दुल कहता है कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता है, तुम रफीक के हाथों सीएम को मरवाना चाहते हो। अब दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमे अब्दुल धनुष को शूट कर देता है और बाकी पुलिस वाले अब्दुल को शूट कर देते हैं। अब लूप एक बार फिर शुरू होता है तो अब्दुल सीएम के मरने के बाद उस स्नाइपर का पीछा करने लगता है। वहाँ उसे कई लोग दिखते हैं जो हिंदू मुस्लिम के अलग अलग कपड़े पहनकर दंगा फैलाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच मस्तान नाम का आदमी उसे देख लेता है और मार देता है। लूप फिर से शुरू होता है और इस बार अब्दुल सीधे उस जगह पर पहुंचता है जहां वो सभी दंगे की तैयारी कर रहे थे। वो एक एक करके सभी को मारने लगता है लेकिन हर बार खुद मर जाता है। काफी बार लूप में आने जाने के बाद आखिरकार वो सभी को मार देता है क्योंकि उसे याद हो जाता है कि कौन उस पर कब हमला करने वाला है। अब आखिर में वो उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम कहाँ ठहरे हो, तुम्हारा नाम क्या है। वो स्नाइपर उसे अपने होटल का नाम और रूम नंबर बताता है। इतने में मस्तान एक बार फिर अब्दुल को मार देता है। अगली बार अब्दुल सीधा उसी होटल में पहुंचता है और वहां सीता की मदद से उस स्नाइपर को बांध देता है ताकि वो कॉन्फ्रेंस में ना जा पाए। दूसरी तरफ वो मूर्ति और बादशाह की मदद से रफीक को भी गाड़ी की डिग्गी में रात तक के लिए बंद कर देता है ताकि वो भी सीएम को ना मार पाए। इसके बाद वो कॉन्फ्रेंस में जाता है जहां सीएम की पूरी स्पीच खत्म हो जाती है और उनकी मौत नहीं होती। अब्दुल अब थोड़ा रिलैक्स होता है कि तभी सीएम की गाड़ी में लगा बम फट जाता है जिसमें सीएम के साथ साथ खड़ा अब्दुल भी मारा जाता है। अब इस बार अब्दुल हार मान जाता है और वो अपने साथ सीता और बाकी दोस्तों को लेकर उसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है। वहां वो सब कुछ होने देता है और लास्ट में एक गन लेकर धनुष के पास जाता है। वहां वो उससे कहता है कि ऐसा करने में तुमको क्या मिलेगा, क्यों सीएम को मारना चाहते हो और क्यों उस बेचारे रफीक को फंसा रहे हो, दंगे में कितने लोग मारे जाएंगे तुम्हें उसकी फिक्र नहीं। धनुष कहता है कि तुम्हारी इन बातों से अब कोई फायदा नहीं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता है, लेकिन अब तुम अगर मुझे भी मार दो तो भी कुछ नहीं कर सकते। दंगा शुरू हो चुका है कि तुम्हें मारकर नहीं बल्कि खुद मारकर मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, ऐसा कहके वो खुद को शूट कर लेता है। अब अगले लूप में हमें एक अजीब बात पता चलती है कि जब एक लूप में अब्दुल ने धनुष को शूट करके मार दिया था उसके बाद धनुष भी टाइम लूप का एक्सपीरियंस कर रहा था, लेकिन ये बात धनुष को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो दिन को बार बार क्यों जी रहा है, क्योंकि अब तक जितनी बार अब्दुल मारा गया था उतनी बार धनुष का दिन फिर से शुरू हो जाता था। यहाँ हमें एक डिटेल और शेयर की जाती है कि जब अब्दुल ने धनुष को शूट किया था तो वो उसके ऊपर आकर गिर गया था जिस वजह से धनुष का खून और अब्दुल के जख्म का खून आपस में मिल गया था और तभी से धनुष भी टाइम लूप में फंस गया है। इसलिए हम नोटिस करते हैं कि जब जब अब्दुल सीएम को बचा रहा था तब तक किसी न किसी तरीके से सीएम फिर मारा जाता क्योंकि धनुष दूसरा अल्टरनेट पहले से ही तैयार कर लेता था। अब हमें दिखाया जाता है कि धनुष असल में एक दूसरे मंत्री की वजह से सीएम को बार बार मार रहा था क्योंकि उस मंत्री को सीएम की गद्दी चाहिए थी और वो सीएम की ही पार्टी का मंत्री था। वो मंत्री से कहता है कि मैं बार बार एक दिन जीते हुए थक चुका हूँ और उसे सारी बातें बताता है। मंत्री उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता तो धनुष उसको उसी की स्पीच सुनाता है और कहता है कि आज आप कॉन्फ्रेंस में सीएम से पहले ठीक ऐसा ही बोलने वाले हो। मंत्री हैरान हो जाता है क्योंकि उसके स्पीच लेटर में यही सब लिखा था। तो मंत्री उससे पूछता है कि आखिर उस लड़के को रोका कैसे जाए ताकि तुम्हारा दिन बार बार रिसेट ना हो। धनुष कहता है कि इसके लिए हमें उसे मरने से रोकना होगा। वो हर बार मर जाता है और इसी वजह से दिन फिर से शुरू हो जाता है। इधर अगले लूप में अब्दुल उस बिल्डिंग में पहुंचकर पहले रफीक की माँ और बहन को बचाता है और फिर उसी रास्ते में पहुंचता है जहां रफीक हर बार मिल रहा था। थोड़ी देर में उसे रफीक भागता हुआ दिखता है। अब्दुल उसको कहता है कि तुम्हारी माँ और बहन सेफ हैं, वापस आ जाओ, लेकिन तभी वो देखता है कि वो आदमी रफीक नहीं बल्कि स्नाइपर है जिसने सीएम को मारा था। वो स्नाइपर इस बार रिमोट कंट्रोल और ड्रोन की मदद से अब्दुल की गाड़ी को उड़ा देता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अगले लूप में अब ना तो उसे रफीक दिखता है और ना ही वो स्नाइपर। थोड़ी देर में पब्लिक में एक विस्फोट होता है और काफी लोगों की जान चली जाती है। ये देखकर अब्दुल अब घबरा जाता है और तभी वहाँ धनुष आ जाता है। धनुष उससे कहता है कि अब बहुत हुआ, तुम सोच रहे होंगे कि अब सभी चीजें तुम्हारे मुताबिक क्यों नहीं हो रही, तो जिस तरह तुम इस लूप में फंसे हो वैसे ही मैं भी फंसा हूँ। अच्छा होगा तुम सीएम को बचाने की कोशिश छोड़ दो वरना मैं हर लूप में तुम्हारे दोस्त और घर वालों को जान से मार दूंगा। ये आखिरी बार है जब हम दोनों मिल रहे हैं, तुम मेरे बीच मत आओ, मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा। ये कहकर वो अब्दुल को शूट करता है और लूप फिर से शुरू हो जाता है।
इस बार वो सोचता है कि आखिर कौन है जो धनुष की मदद से सीएम को मरवाना चाहता है। वो समझ जाता है कि इस बार वो अकेले नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो फौरन उसी एमपी को फोन करता है जो उसे सबसे पहले उस प्लेन में मिला था। उस एमपी ने अब्दुल से ऑटोग्राफ लेने के बाद अपना कार्ड दिया था और कहा था कि जब भी आपको मेरी जरूरत हो आप कॉल कर लेना। वो फौरन उसको कॉल करके सीएम के बेटे से मिलने के बारे में कहता है। एमपी जैसे तैसे अब्दुल और सीता को सीएम के बेटे तक पहुंचा देता है, लेकिन वो उन दोनों की बात नहीं मानता। पर इस बार वो मंत्री भी सीएम के बेटे के पास मौजूद होता है जो असल में सीएम को मरवाना चाहता था। वो अब्दुल को अपनी बातों में लेता है और धोखे से उसे और सीता को कैद कर लेता है। वो अब्दुल से कहता है कि सीएम को मारने वाले प्लान में सिर्फ तमीवरन, धनुष और मुझे पता है। तमीवरन ने मेरा साथ नहीं दिया तो सुबह मैंने उसको एक्सीडेंट में मरवा दिया, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? अब्दुल अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि धनुष सर ने मुझे भेजा था ताकि आपका भांडा फोड़ हो जाए और सीएम का बेटा आपको पकड़ ले। मंत्री का दिमाग खराब हो जाता है और वो धनुष को फोन लगाकर उसको भला बुरा बोलता है। धनुष उसे वहाँ आकर समझाता है कि ये सब अब्दुल की चाल है, वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। ये देखकर अब्दुल और भी बातें अपनी तरफ से बोलने लगता है और मंत्री फिर से धनुष पर गुस्सा करता है। अब बेचारा धनुष फंस जाता है कि अगर मैंने इसको मार दिया तो लूप फिर से शुरू हो जाएगा और अगर नहीं मारा तो ये मंत्री मेरा दिमाग खा जाएगा। फिर भी वो जैसे तैसे मंत्री को वहाँ से कॉन्फ्रेंस में भेज देता है। इसके बाद अब्दुल काफी कोशिश करता है कि धनुष उसको मार दे, लेकिन धनुष ऐसा नहीं करता। इस बीच पास में पड़ी एक बड़ी सुई के ऊपर अब्दुल जानबूझकर ऐसे गिरता है कि उसकी मौत हो जाती है। वो ऐसा ही करता है और लूप फिर से शुरू हो जाता है। अगली बार वो समझ जाता है कि अगर उसे सीएम को बचाना है तो तमीवरन को बचाना होगा ताकि सीएम उसकी बात पर भरोसा कर सके। वो कई बार ट्राई करता है और फेल होते रहता है, लेकिन एक बार आखिरकार वो तमीवरन को बचा लेता है और उसको सब कुछ बताकर उसका स्टेटमेंट फोन में रिकॉर्ड करवा लेता है। उधर सीएम की कॉन्फ्रेंस का टाइम होता है तो सीएम अपने बेटे से कहता है कि मेरे सीने में दर्द है इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। इस पर वो साजिश करने वाला मंत्री कहता है कि सर थोड़ी देर की बात है, आप बस मंच पर शक्ल दिखा दीजिए, बाकी जनता खुश हो ही जाएगी। सीएम कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम यही चाहते हो कि मैं वहाँ जाऊँ और तुम्हारे लोग मुझे मार दें। ये सुनकर मंत्री के होश उड़ जाते हैं। दरअसल अब्दुल पहले ही सीएम के पास पहुँच चुका था और उन्हें तमीवरन का स्टेटमेंट दिखा चुका था, पर तभी वहाँ धनुष आ जाता है जो मंत्री से कहता है कि सीएम को यहाँ मारे या बाहर क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद अब्दुल और धनुष में फाइट होती है जिसमें धनुष सीएम को शूट करता है और अब्दुल बीच में आ जाता है जिससे उसे गोली लग जाती है। सेम उसी टाइम पर गार्ड भी आकर धनुष को शूट कर देते हैं जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब अगली बार अब्दुल की आंख खुलती है हॉस्पिटल में जहां सीएम उसको थैंक यू बोलने के लिए आते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि आखिर उसने सीएम को बचाकर वो काम कर दिया जो भगवान उससे चाहते थे। बाहर वो सीता, जरीना, मूर्ति और बादशाह को देखता है जो शादी के बाद उसका इंतजार कर रहे थे। दरअसल इस बार जब अब्दुल लूप में फंसा था तो वो सीता से कहकर गया था कि वो एक एजेंट है और उसे एक शादी को रोकने का काम दिया गया है जो उसे करना है, तो सीता ठीक वैसा ही करती है, जिसके बाद मूर्ति और जरीना की शादी हो जाती है। खैर अब सभी आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी जरीना के फैमिली मेंबर्स वहां आ जाते हैं। उसका भाई इस बार भी अब्दुल को मार देता है, जिसके बाद अब्दुल वापस उसी फ्लैट में पहुंच जाता है और यही होता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों आखिरकार अब्दुल इतना सब करने के बाद भी उस लूप में फंसा ही रह गया। आखिर अब उसे क्या करना था ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा अगर डायरेक्टर उस पर काम करते हैं तो। लेकिन आप अपना काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आखिर इस बार अब्दुल वापस लूप में कैसे पहुंच गया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही धांसू मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।